जैसे कल का मैच है मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम किस पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक किए, अब हमको टीम लगाना है। तो सबसे पहले टीम लगाने के लिए हम यहाँ पे जो है क्रिएट टीम, इस क्रिएट टीम को क्लिक करेंगे। क्रिएट टीम को क्लिक करने के बाद ऐसा सरफेस आता है देखने के लिए, डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में हमको इस टाइप से नहीं चुनना है, क्योंकि पता नहीं है कि इसमें कौन पहले आएगा नहीं आएगा। ये पहले आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये कौन पहले खेलेगा। या ऑलराउंडर में देखिए आप, बैट्समैन में रोहित शर्मा आएगा, ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये, मतलब कौन पहले खेलेगा। इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हमको देखना है क्या करना है। सबसे पहले इस टाइप से जो आएगा डैशबोर्ड, तो उस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ क्या बोलते हैं, ये पास्ट लाइनअप, इसमें क्लिक करने के लिए सबसे पहले जो है इसको क्लिक करेंगे। तो आप देख लीजिए इस साइड में जो है, इस साइड में मुंबई इंडियंस का है, ये सभी मुंबई इंडियंस का है, इधर दिल्ली कैपिटल का ये सभी है। इसमें ये पता चलेगा आपको, नंबर वाइज का पता चलेगा कि एक नंबर में ईशान किशन आ रहा है मुंबई इंडियंस का, दो नंबर में रोहित शर्मा आ रहा है, तीन में एन धीर आ रहा है, चार में ब्रेविस आ रहा है, इंपैक्ट खिलाड़ी है, पाँच में ये आएगा, छः में ये आएगा, सात में ये आएगा। इसी तरह दिल्ली कैपिटल में डेविड वार्नर पहले आएगा, एक नंबर लिखा हुआ है, दो में पृथ्वी शॉ, यानी ये दोनों ओपनिंग आएगा, उसके बाद एक ठो आउट होने के बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। तो ये हो गया बैटर का। इसी तरह ऊपर से चुनना है, क्योंकि 20 ओवर का तो खेल है ये। कितना का है खेल? ये 20 ओवर का खेल है, मात्र 20 ओवर का खेल है। तो पहले तो बैट्समैन आएगा, चाहे अगर मुंबई इंडियंस का हो गया तो मुंबई इंडियंस का बैट्समैन इस प्रकार आएगा, ओपनिंग करने के लिए ये दोनों आएगा। अगर दिल्ली कैपिटल का टॉस जीत गया बैटिंग है, तो पहले ये दोनों ओपनिंग आएगा, ये दोनों में से कोई आउट होगा तब ये आएगा, या ये दोनों में से कोई आउट होगा तब ये आएगा, तब फिर ये। इसीलिए हमको देखना है कि अगर मुंबई इंडियंस का बैटिंग आ गया, मुंबई इंडियंस का बैटिंग आया तो इसको ले लेंगे, हमको देखना है अच्छा खेलेगा कि नहीं, इसको ले लेंगे। ये दोनों में हमको लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक चला जाएगा, तुरंत आउट हो जाएगा, तो इसको छोड़ देना है एक को, तब इसको ले लेना है, तब या इसको ले लेना है, इसको ले लेना है, ऐसे तब करना है। लेकिन पहले शुरुआत से ऐसे करके लेना है, हो गया ये बात। उसके बाद अब देखना है कि बॉलिंग कर रहा है कौन, दिल्ली कैपिटल बॉलिंग करेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम चले जाएंगे, बॉलर नीचे से है, 12 नंबर में जो है वो बॉलर है, इसको ले लेंगे, ये भी बॉलर है, इसको ले लेंगे, या इसको मन है तो इसको भी ले लेंगे, तब ऐसे करके लेंगे। और बैट्समैन में इधर से और बॉलर में इधर से, ठीक है। उसके बाद जो है, सारा चीज़ को लेने के बाद जो है, हम पहले चुन लेते हैं, इसको चुन लिए, हो गया। इधर से हम जानते हैं कि ये तो नहीं आएगा, सात नंबर भी नहीं आएगा, छः नंबर नहीं आएगा, यहाँ तक आने का संभावना है। उसके बाद बॉलर लेंगे, इधर से बॉलर, ये इसको ले लेंगे, ये। अब फिर देखेंगे, ये ईशान शर्मा अच्छा नहीं करेगा तो इसको हटा देंगे। उसके बाद फिर इधर से बैट्समैन कोई देखना अच्छा है तो उसको ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करने के बाद इस सभी में आप देखना है कि कौन कप्तान और उप कप्तान के लायक है, तो हम उसी तरह से चुनेंगे। तो कप्तान के लायक हमको लग रहा है इसमें ईशान किशन बढ़िया चलेगा, इधर मुंबई इंडियंस का। फिर जो है दिल्ली कैपिटल का कौन चलेगा, ये चलेगा। तो इसी तरह ये दोनों को हम ले लिए, ठीक है। फिर सेव करेंगे, इस तरह से सेव करना है। तो फिर हम देखेंगे अपना माय टीम में जा करके, ये दोनों को हम लिए हैं, इसको चेक कर लेंगे, ठीक है।
इस तरह से करना है।